यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक शांडिल, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। फरीदाबाद के सेक्टर 15 के जिम खाना क्लब का कैबिनेट मंत्री ने औचक निरीक्षण किया। वहीं क्लब की बेकार हालत को देखकर अधिकारियों और क्लब के मैनेजर की जमकर फटकार लगाई और हुड्डा अधिकारियों को जांच के आदेश देते हुए एक हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा है। बताया जा रहा है कि करीब 21 वर्ष पहले हुड्डा द्वारा इस जिमखाना क्लब का निर्माण किया गया, जिसके लिए लोगों ने मोटी फीस अदा करके क्लब की मेंबरशिप भी ली थी। लेकिन पिछले 5 सालों से क्लब ने अपने मेंबर्स को दी जाने वाली सुविधाओं में कोताही बरतनी शुरू कर दी है और साल दर साल फूड और अन्य सर्विसेज की कीमतें बढ़ानी भी शुरू कर दी है। लेकिन सुविधाओं में सुधार नहीं किया गया। सूचना के आधार पर कैबिनेट मंत्री ने क्लब का निरीक्षण किया। उसके बाद मंत्री जी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और जिस अधिकारी से वो बात कर रहे थे उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बदतमीज आदमी है, आप ध्यान नहीं रखते। ये मंत्री विपुल गोयल हैं। पहले आप सुनिए कि उन्होंने गुस्से में क्या कुछ कहा। ये जिमखाना क्लब सेक्टर 15 की हालत बहुत ही ज्यादा खराब। छोटी मोटी सी चीजें जो कि फंड्स के होते हुए भी और नेग्लिजेंसी करी हुई थी या मेंबरों ने जो जो बात रखी है वो सबके निर्देश दे दिए हैं। जो बिल्कुल जल्द काम होने वाली चीज़ें हैं वो एक हफ्ते के अंदर हो जाएंगी। बाकी एक महीने के अंदर इसका इंस्पेक्शन करा के, इसका DPR बना के और जितने भी हिंदुस्तान के अंदर जिमखाना क्लब में फर्स्ट 3 को जिमखाना क्लब को विज़िट करके उनकी रेटिंग और उनकी जगह के हिसाब से यहाँ क्या क्या चीज़ और इम्प्रूव हो सकती हैं सबकी हम 1.25 महीने में DPR बना देंगे। DPR बनाकर फिर अगर फंड्स यहाँ पर हैं जितने ठीक है, नहीं तो फिर सरकार से मुख्यमंत्री जी से बात करके उन फंड्स का एलोकेशन करा के जल्दी ये जिमखाना क्लब हिंदुस्तान के नंबर 1 क्लबों में शुमार होगा। मैं कह दिया एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा को, वो एक हफ्ते में इंक्वायरी करके देंगे। जो भी व्यक्ति इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसको ज़रूर उसका दंड मिलेगा। तो बड़ी बात यह है कि मंत्री जी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। उन्होंने अपने ही सामने और सब मीडिया कैमरों के सामने ही अधिकारी को क्लास लगाई और अधिकारी को बदतमीज आदमी तक कह दिया। इसी पूरी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय गुप्ता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। संजय, जिस अधिकारी के ऊपर मंत्री जी गुस्सा दिखा रहे थे वह अधिकारी के बारे में कुछ जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं कि मंत्री जी ने आज हिंदू नववर्ष मनाया है जो कि भाजपा के एजेंडे में शामिल है जी। और वहीं दूसरी ओर वहाँ पे नववर्ष मनाते हुए कुछ मेंबरों ने जो कि जिमखाना क्लब के मेंबर थे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ पे सुविधाओं के नाम पे हम लोगों को लूटा जा रहा है। ये जिमखाना, मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये जिमखाना क्लब 21 साल पहले बना था और उसके बाद लगातार यहाँ पे जिमखाना क्लब के जो मेंबर हैं उनकी सुविधाओं को कम कर दिया गया जी। उसके बावजूद मंत्री वहाँ पे लगातार जाते रहे और जो आज पर्यावरण मंत्री एवं उद्योग मंत्री विपुल गोयल जी जिस विषय में बात कर रहे हैं, इससे पहले ये दो पार्टियां यहाँ पे दीपावली से पहले दे चुके हैं। भाजपा की एक संस्कृति है कि वो हिंदू नववर्ष की बात करती है, हिंदू सभ्यता की बात करती है, जबकि मैं आपको खास तौर पे बताना चाहूंगा कि विपुल गोयल जो उद्योग मंत्री और पर्यावरण मंत्री हैं, इन्होंने वहां पे शराब की पार्टी दी थी, जब उस दौरान इन लोगों को जिमखाना क्लब में कमी नजर नहीं आई और आज इन लोगों को जिमखाना क्लब में कमी नजर आई। इसका एक कारण था कि इन्होंने आज तक इसका ध्यान नहीं दिया, संज्ञान नहीं लिया। और आज जो मंत्री जी कह रहे हैं, उन्होंने अधिकारी को काफी डांटा और उन्होंने बार बार ये बोला कि भाई इसको हम इंडिया का नंबर 1 क्लब बनाना चाहते हैं। ये मेरे हिसाब से ये बातें बिल्कुल खोखली है। मंत्री जी का जो पूरा ध्यान है वो अपने तरीके से जी। बिल्कुल संजय गुप्ता, जिस तरीके की बात आप बता रहे हैं कि इसके पहले उन्होंने एक बार शराब की पार्टी भी की थी, लेकिन जब आज वो अचानक औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे तो अधिकारी पर अपना गुस्सा दिखाते नजर आए। बड़ा सवाल ये है कि अधिकारी को सस्पेंड करने की बात भी कह रहे हैं कि आज ही इसको सस्पेंड कर दिया जाए, क्या अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है? कार्रवाई की अगर बात करें तो कार्रवाई तो अगली सुबह पता लगेगी, लेकिन मंत्री जी का मैं बार बार बोलना चाहूंगा, मंत्री जी का दोहरा रवैया सामने आता है। जब इन्होंने यहाँ पे 2 बार पत्रकारों को बुला के यहाँ पे दिवाली के अवसर पे पार्टियां की और जो कि BJP की भारतीय जनता पार्टी की सभ्यता के खिलाफ है, शराब पार्टी यहाँ पे आयोजित की गई,
और उसके बावजूद मंत्री जी से जब सवाल पूछा जाता है तो मंत्री जी बार बार पत्रकारों से ये जवाब देते हैं कि आप लोग हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आज दो दिन पहले सामने आया था। विपुल गोयल उद्योग एवं पर्यावरण मंत्री हैं, इसके बावजूद फरीदाबाद में थर्माकोल की कुछ फैक्ट्रियां हैं साहूपुरा में, जिनके ऊपर पत्रकारों ने कुछ रिपोर्ट छापी थी, उसके बाद मंत्री जी ने पत्रकारों को ही ब्लैकमेल बोल दिया था, जिसकी की रिकॉर्डिंग हमारे पास उपलब्ध है और वो रिकॉर्डिंग जल्दी ही कोशिश करेंगे कि वो जनता के सामने आए। बिल्कुल संजय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तस्वीर के बारे में आपको बता दें, फरीदाबाद की ये तस्वीर है, जिमखाना पहुंचे थे और क्लब में को देखने के लिए पहुंचे थे मंत्री विपुल गोयल, लेकिन उसके बाद उन्हें अचानक गुस्सा आ गया। बड़ी बात यह है कि उन्होंने बदतमीज शब्द का इस्तेमाल किया है। हालांकि आमतौर पर एक मंत्री आम सभा में या फिर मीडिया के कैमरों के सामने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने से बचते हैं, लेकिन विपुल गोयल को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सामने बैठे अधिकारी को बदतमीज कह दिया और उसे सस्पेंड करने का आदेश भी तत्काल दिया। दरअसल जो हालत है वो सरकारी अमले के एक लापरवाही का नतीजा है और यही कारण है कि करोड़ों रुपए खर्च के जो क्लब बनाया जाता है, लाखों रुपए खर्च करके जो क्लब बनाया जाता है, जनता को जो उम्मीदें दिखाई जाती हैं, उस क्लब की हालत इतनी दयनीय है कि मंत्री जी को गुस्सा आ गया। फरीदाबाद में ये जो क्लब है, इसकी जब शुरुआत हुई थी तो आम लोगों से इस बात को कहा गया था कि उनको अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन आम लोगों की ये शिकायत थी, जो इसके मेंबर थे उन लोगों ने शिकायत की कि इसकी हालत बेहद दयनीय है, जिसके बाद मंत्री विपुल गोयल को गुस्सा आ गया और उन्होंने अधिकारी को झाड़ लगा दी। इसकी सफाई के लिए जी मैं डॉक्टर सर जी है, बदतमीज आदमी, यहीं पे रहना पड़ेगा। ये तो करवा रहा हूं, करवा रहा हूं, मेरे आने के बाद क्यों करवा रहा है? नहीं नहीं, अभी कितने चालू करना है, पूरा बंद था 6 महीने से। एडमिनिस्ट्रेटर ही शुड बी सस्पेंडेड टुडे। देखिए इधर व्हाट इज दिस, इसकी सफाई के लिए जी मैं डॉक्टर सर जी है, बदतमीज आदमी, यहीं पे रहना पड़ेगा। ये तो करवा रहा हूं, करवा रहा हूँ, मेरे आने के बाद क्यों करवा रहा है? नहीं नहीं, अभी कितने चालू करना है, पूरा बंद था 6 महीने से। एडमिनिस्ट्रेटर ही शुड बी सस्पेंडेड टुडे। देखिए इधर व्हाट इज दिस।